मुसलमान को लगता है कि हम मुसलमान हैं, दलित को लगता है कि हम दलित हैं, हिंदू को लगता है कि हम हिंदू हैं, भूमियार को लगता है कि हम भूमियार हैं, लाला जी को लगता है कि हम लाला हैं, बनिया जी को लगता है कि हम बनिया हैं, लेकिन उनको यह नहीं लगता है कि हम सब भारत के नागरिक हैं। और यह जो हमारा नागरिक होने का अधिकार है, यह जो हमारा भारतीय होने का अधिकार है, उस अधिकार को ये छीन लेने के लिए इस देश की जो धन संपदा है, इस देश के जो संसाधन हैं, उसको लूट लेने के लिए ये दिन रात जात का कार्ड खेलते हैं, दिन रात मंदिर मस्जिद करते हैं, दिन रात धर्म का कार्ड खेलते हैं। और जब हम जात और धर्म में उलझे होते हैं, तब ये एक एक करके हमारे अधिकारों को छीन रहे होते हैं, एक एक करके सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा होता है, एक एक करके सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा होता है, एक एक करके इस देश के रेलवे को बेचा जा रहा होता है, एक एक करके इस देश के खदानों को पूंजीपतियों के हाथ में लुटाया जा रहा होता है। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि इस देश के नेताओं को मालूम है कि जब चुनाव आएगा तो हम जात का कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। इनको मालूम है कि जब चुनाव आएगा तब हम धर्म का कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, और जनता जात और धर्म में उलझ जाएगी, हम फिर से चुनाव जीत जाएंगे और फिर से इस देश को लूटते रहेंगे। इसी तरीके की एक साजिश एक बार फिर से कुछ मीडिया चैनल के माध्यम से चलाने का प्रयास किया है। काल हमर मोन दब है, तबियत सुस्त, तो कत्ते लोग आवे है हाथ पकड़ के, नुनु घबरैया ने हम तोरा जड़ छियो। हम कहे की भ गेले की ऐसा की भ गेले की कोई आवे है कहे कि नुनु घबरैया ने हम तोरा जड़ छियो। हमें गाड़ी में बैठलिए कहलिए हो लोग एना किया कहे छै, एगो बिहार के लोग हंसिया कहलखिन की आओ तनी तबियत दब छो सुस्त लगे छो हो, तो लोग लग रहा है कि चार सीट से घबराए गए हैं। कहलिए बेगूसरैया ये नहीं छथिन की, इनका इतनो तो बुझे कि चाहिए, बेगूसरैया जब खच्चर हो तो ई बेगूसराय छथिन तो हमू बेगूसराय छी, जब ई नहीं घबरा रही तो हमें कहीं घबरे को घबराबे बात छे। तैयो घर गए माय कहलिए हे माय तनी रसून आ करुआ तेल हमरा गरम कह के लगवा छी जल्दी से, मोन नहीं ठीक होत आ करेक्ट नहीं बोलब ना तो हमारे जनते घबरा जाते, तो घबरा नहीं छो। हाँ घबराई बहुत लोग भै गए। अभी आरोप पत्र आया है, अब आरोप पत्र को लेकर के मार टीवी जो है चलना शुरू हो गया चारों तरफ से। हम अपना सभा कर रहे हैं घूम घूम करके, घर पहुंचे तो देखे मार वहां कैमरा लगा हुआ है, तो कह रहा है कि कन्हैया जी बताइए आप, आपके खिलाफ जो है आरोप पत्र आ गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं। हम बोले आरोप पत्र ही आया है ना, निर्णय नहीं आ गया है ना, ये आरोप पत्र है, जजमेंट नहीं है। और सबसे पहली बात, हम कब बोले कि आरोप पत्र नहीं आना चाहिए, हम खुद घूम घूम करके कह रहे थे कि जल्दी से आरोप पत्र लेकर के आइए, और इनके तमाम प्रवक्ताओं को पकड़ पकड़ करके कहते थे जना मैंने मुझे ठोठिया कहना है, नहीं आरोप पत्र पहले दाखिल करने तब बतियो पत्र। आरोप पत्र ये लेके आए हैं, आरोप ये लगाए हैं, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये आरोप लगाए हैं। और आरोप जो ये लगाए हैं उसमें नया क्या है, आरोप पत्र आने से पहले ही ये मुझे देशद्रोही कह रहे थे, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी जो चीज है उसको आप लोगों को समझना चाहिए, और इस बात को आप समझिए। तो हमरा बगल में पुलिस खड़े थे बंदूक लेके, तो आरोप पत्र यदि आप ले आए हैं और आपको लगता है कि आपके पास पुख्ता सबूत है तो उठा करके जेल में डाल दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। जब तक जेल में चला रहेगा आना जाना लगा रहेगा, रामचंद्र बाबू नहीं देंगे ना। आप जेल गए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग सब नेता जेल जाता है। अब इस बात को आप समझिए, इस बात को आप एक मिनट में समझ जाइएगा। दारू बंद है ना, दारू गैर कानूनी है, नहीं मिलता है, सच बोलिएगा, कैसे मिल रहा है पुलिस को नहीं पता है, सब पता है, तो फिर कैसे बिक रहा है। हमारा गांव का ना बेगूसराय का
मूर्ख से मूर्ख लोग इस बात को समझता है कि अगर पैसा है तो फिर कानून अपना है कि नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो गलती नहीं किए हैं तब भी हम अपराधी हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो हमर नाम अगर कन्हैया कुमार नहीं हो कन्हैया अंबानी होते तब भाजपा वाला हिम्मत रहे हमारे खिलाफ एक शब्द बोले कर। एक कोनो बात नहीं जहां कोई भाजपाई तोरा चौक चौराहा पान दुकान पर कह आम की कहो रसगुल्ला आम की हमे कहो आरोप पत्र देवे कहो सबूत तोरा छबे करो फटाफट उठा के जेल में डालो एक मिनट देरी नहीं करे चाहे तोरा। लेकिन हमर सवाल ये नहीं है कि कन्हैया देशद्रोही छिके कि नहीं छिके, वो न्यायालय तय करते हैं। ई बताओ डपोर संघ कि 15 लाख रुपया अभी तक खाता में दिया नहीं है, 2 करोड़ नौकरी किया नहीं मिल रहा है, अच्छा दिन की भेल हो मोदी जी अच्छा दिन कहाँ है। इस बात को आप समझिए कि जितना भाजपाई है भाजपाई सब मुंह घूम करके घूम रहा है, मुंह लटकाए सगरे घूमब करे। कोई पूछे हे ओए में आ फल्ला बाबू बैठो खैनी खाए ले, नहीं जाय छी हमरा काम है हम नहीं बैठब तोरा जो किया कि खैनी खाए के बहाने बगल में बैठा है का आ पूछे त हम मोदी ठग नहीं लेन को खैनी चुनी आवे चुना पूछता है हो 15 लाख तो नहीं नहीं ले खत्म तो भाजपाइया सब एकदम मुंह लटक कर। आजकल तो नया बात लोग पूछना शुरू कर दिए सब बात तो ठीक है इन बात बात बेगूसराय टिकट के करा दे रहे हो। एक सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, एक भी सवाल का जवाब नहीं है। तो अभी मोदी जी सोचे कि अपने कार्यकर्ताओं को बोलने के लिए कुछ पॉइंट दे देते हैं, तो जो बात हम ही कह रहे थे सब बात नहीं माने। हम कह रहे थे 15 लाख दे दीजिए, 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए, भ्रष्टाचारी सबको पकड़ करके जेल में डाल दीजिए। और जब ये सब सवाल पूछते थे तो भाजपा का प्रवक्ता एरी उचका करके कहता था ये आप मत बात कीजिए, आप देशद्रोही हैं। हम कहते चलिए मान लीजिए हम देशद्रोही हैं, आरोप पत्र तो करा दीजिए। तो मोदी जी जाने वाले हैं, जाते जाते एक भी बात नहीं माने, न 15 लाख खाते में आया, न 2 करोड़ नौकरी मिली, न भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला गया, कम से कम हमारे खिलाफ आरोप पत्र ले आए हैं। आरोप पत्र लाए हैं तो अब भाजपा ही सब पान दुकान पे एना क्या कहू पान खाते हैं तो उसके बदले हाँ सीकी सीकी हिलवत हिलवत कहे छे कि देख लो आप दे तो दे आरोप पत्र आए गए हैं। हिंदू अपने जगह पे ठीक है, मुसलमान अपने जगह पे ठीक है, ये बताओ कि भ्रष्टाचारी सब कब जेल जाएगा। जो ही ये कहे कि ये देशभक्त है ये देशद्रोही है, तुम्ही आप कहिए कि देशभक्त कौन है देशद्रोही कौन है, इसका फैसला कोर्ट करेगी और गिरफ्तार करने का काम पुलिस का है, इसलिए तुम मुख्तारी अपने हाथ में मत लो, तुम ये बताओ कि 15 लाख हमारे खाते में कब आएगा। जो ही वो कहे कि इस देश में भाजपा ने सवर्णों को आरक्षण दे दिया है, तब आप कहिए सब बात तो ठीक है, ये बताओ कि 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगी। इस बात को आप समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार और जेएनयू के नाम पे 4 सीट बस एक बहाना है, 2019 निशाना है। इस पूरी बात में आपको कहना इनको मालूम है कि जनता इनके कुकर्मों को पहचान चुकी है, मोदी जी का झूठ अब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कत्ते दिन थकेबे, 2 फाइल खरीदबे फेरन लवली, 4 फाइल खरीदबे फेरन लवली, 5वां फाइल समझ में तो दूर कुछो नहीं छे, रोज भसे छे कामो गोर गेल कहियो तो बुझबो कि बस हेमा मालिक नहीं थी आ कह देतीन केंट देता है सबसे शुद्ध पानी तो मान लेबे ई बात का, 2-4 गिलास पीबे 2-4 महीना पीबे तो समझ में आ जेते दूर ठक्कै छे कहाँ शुद्ध पानी डलकै, एकरा से बढ़िया कॉले पानी गरम कर लो तो शुद्ध भ जाए। कभी तो बात समझ में आएगी ना, कब तक जो है जनता को लोग ठगते रहेंगे, कभी तो सच सामने में आएगा ना।
जब ये सरकार में नहीं थे तब कांग्रेस को गाली देते थे तब बात ठीक थी, जब यही सरकार में है यही प्रधानमंत्री हैं तब भी नेहरू को गाली दें तब तो यह बात समझ में आएगी कि इनको कुछ काम नहीं करना है। विपक्ष में रहते हुए जब आप सत्ता पक्ष की आलोचना करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्ता में आकर के भी यदि आप विपक्ष की ही आलोचना करते रहे तब तो बात समझ में आती है। कुछ मीडिया हाउस की भी यही हालत है, और मीडिया हाउस को आप देखिएगा, चैनल खोलिएगा कभी कभी, तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और आज भी वो मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहे हैं। ऐसा न्यूज चैनल आपको दिखता है नहीं दिखता है? उसमें से एक चैनल है जिसका नाम है जी न्यूज, हम कहते हैं इसका नाम बदल करके कर देना चाहिए जी हुजूर न्यूज, दिन भर जी हुजूरी करते हैं। ये जो झूठ का आडंबर आपके सामने रचा गया है, इस संबंध में मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं कि झूठ के इस दौर में आपको अपना सच पहचानना चाहिए, और आपका सच जो आपसे शुरू होकर के आपके मोहल्ले से चलकर आपके जिले से होकर राज्य से होकर दिल्ली तक पहुंचता है वही आपके लिए सबसे जरूरी सच है। और सबसे जरूरी सच यह है कि टीवी कितना भी आपको दिखा दे कि बहुत विकास हुआ है, महंगाई घट गई है, झोला उठाइए टेघरा बाजार जाइए, दो मिनट में समझ में आ जाएगा कि वह पत्रकार सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, महंगाई बढ़ी है कि घटी है आपको दो मिनट में पता चल जाएगा, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है आपको दो मिनट में पता चल जाएगा, आरक्षण देने से नौकरी कितनी मिली है आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा। भाई पढ़े होते ना पटना में कोटा में दिल्ली में तैयारी कर भेजने ना, बहुत फोन क्या पूछियो है प्रशांत कर रेनू 2 साल से सीट तैयारी करे छे कत्ते सीट निकल रहे हैं, कत 1200 सीट निकल रहे हैं, 30 लाख फॉर्म भर लिए हैं, की हो जाते 10% से झुंझुना चे झुंझुना हाथ में लेके डलबे परीक्षा के हालत कि एग्जाम जैबो एग्जाम दै ला पहले ही प्रश्न पत्र लीक भैया, ओकर बाद बहाली कैंसिल भ जाए, अब पटना के लोग सेंटर दे देते हैदराबाद, हैदराबाद दे देते मणिपुर कि कुल्ले लोग हुआ पहुंचिए नहीं सके। अब प्रश्न पत्र देखो तो प्रश्न पत्र योग्यता जांच नहीं है, सेलेक्ट करल प्रश्न पत्र नहीं है, रिजेक्ट करल प्रश्न पत्र है। ये जो बेरोजगारी का आलम है एक पर कभी सवाल पूछल जेतै, कभी प्रधानमंत्री पकड़ के पूछा जाते हो कत्ते झूठ बोले रहो गोल गोल, कहियो सच स्वीकार करो, ये हमारे असली सवाल हैं। और इन असली सवालों को लेकर के अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हम इस लाल झंडे की चमक को वापस नहीं लाएंगे, अगर हम बेगूसराय की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, मैं समझता हूं तूफानी बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि प्राप्त नहीं होगी। तूफानी बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि यदि हम देना चाहते हैं तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि इन झूठ से बाहर आकर के सच के रास्ते पे चल करके ईमानदारी और न्याय के रास्ते पे चल के बराबरी का बेगूसराय का निर्माण कैसे हो, और बराबरी का बेगूसराय का निर्माण करना यदि हमारी प्राथमिकता है तो हम यह सोचेंगे कि बेगूसराय के किसान जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते हैं उनको उनके फसल का दाम कैसे मिले, एनएचआई जो रोड बना रही है उसके भीतर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी कैसे मिले, मोटिया का काम जो तेहरा बाजार में करने वाले लोग हैं उनको दिहाड़ी कैसे पूरा प्राप्त करवाया जाए, कैसे उनको पूरा दिहाड़ी दिलवाया जाए, ठेकेदारों के भीतर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी कैसे प्राप्त हो, और इस देश के भीतर जो एक विकास का और नियमित स्वरूप हमको दिखाई देता है उसमें नियमितता कैसी लाई जाए, कैसे हम ये सुनिश्चित कर सके कि बेगूसराय के बाल बच्चों को अपना घर परिवार छोड़ करके अपनी माता बहन को छोड़ करके दिल्ली पुन्ना और कलकत्ता नहीं घूमना पड़े, कैसे हम ये सुनिश्चित कर पाए कि बेगूसराय के किसान जो फसल पैदा करते हैं उन
उन फसलों का भंडारण किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, संरक्षण करके उसको परिष्कृत किया जाए, फूड प्रोसेसिंग करके उसके आधार पे कुटीर उद्योग का विकास हो, लघु उद्योग का विकास हो, मध्यम मझोले स्तर का उद्योगों का विकास हो, बेगूसराय के भीतर ही उच्च क्वालिटी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैसे खोला जाए, कैसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज का व्यवस्था की जाए, कैसे बेहतर सड़क का निर्माण हो, कैसे यातायात के साधनों को मुहैया कराया जाए, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इस एजेंडा पे हम बात ना कर सके, अपने नेताओं से सवाल ना पूछ सके, इसीलिए हमको हमारे ही समाज में रहने वाले लोगों के साथ उलझाने का और भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, आज अंग्रेजों के इस चापलूसों ने डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है। अंग्रेजों को भी बेगूसराय की धरती ने मजा चखाया था, इसीलिए बेगूसराय की धरती को बारडोली कहा जाता है। अंग्रेजों के इन चापलूसों को भी हमको मिलकर के मजा चखाना होगा और फिर से बेगूसराय के मुकम्मल निर्माण के लिए, मुकम्मल विकास के लिए एकजुट होकर के लाल झंडे को, इस सुर्ख परचम को बुलंदी तक ले जाना होगा। यही कांग्रेस तूफानी बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।